कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल शार्पी और बेसिक। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके साथ हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर इन्वेस्टर्स। हमने पिछली वीडियोस में कुछ इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, कुछ फाइनेंस के रिलेटेड बातें शेयर की थी। होप्स हो कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर इन्वेस्टर के ऊपर, कि इन्वेस्टर के लिए जब कोई इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए कौन कौन से प्लान हैं, तो उसके ऊपर आज का टॉपिक है। तो बात करते हैं। सबसे पहले है इसके कुछ टाइप्स। टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला तो है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है वो डायरेक्टली ही अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि आपको नाम से भी क्लियर है कि मैंने लिखा है डायरेक्ट प्लान, तो इसमें कोई भी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता। और इस प्लान की जो NAV है, मतलब नेट एसेट वैल्यू जो होती है, वो हायर होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रेगुलर प्लान के। तो ये है डायरेक्ट प्लान, जिसके माध्यम से एक इन्वेस्टर अपने फंड को डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। और सेकंड जो है हमारे पास वो है रेगुलर, या फिर आप इसको नॉर्मल प्लान भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक इन्वेस्टर जो होता है वो जब अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है थ्रू रेगुलर या फिर नॉर्मल प्लान के, तो इसमें एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर दोनों की ही रिक्वायरमेंट रहती है। ये किस लिए होता है, क्योंकि जब भी एक इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको कुछ एडवाइस, कुछ सर्विसेज की ज़रूरत रहती है। तो वो जो एडवाइस और सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है वो एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर पूरा करते हैं। इसलिए इसमें एजेंट और डिस्ट्रीब्यूटर का नीड होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है कि प्लान, इस प्लान में भी सेपरेट नेट एसेट वैल्यू होती है, जो कि लोअर होती है, कम होती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट प्लान। ये हैं दो प्लान जो इन्वेस्टर के लिए होते हैं, जिससे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। तो ये आज की वीडियो है। होप्स हो कि आपको अच्छी लगी हो। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी छोटी है, तो कुछ टाइम की कमी होने के कारण थोड़ी वीडियो छोटी बनाई है। तो होप्स हो कि आप सपोर्ट करेंगे। आने वाले दिनों में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहें हमारी वीडियोस, और होप्स हो कि ये वीडियोस आपकी जो लर्निंग पावर है उसको अपग्रेड करेंगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं आने वाली वीडियो की। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।